द्रव्यवाणी में 17 मार्च 2007 हेडिंग दिया है, श्रेष्ठ व्यक्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआएं दो और दुआएं लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही शकील दे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह के आकर्षण से मिलने के लिए पहुंच गए, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मनाए रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों को दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे बाप से पूछते हैं कि कब तक प्रत्यक्ष होगा, और बाप पूछते हैं बच्चों से कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे, अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है, तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती है, डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सभी मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है, तो बाप दादा पूछते हैं इसकी डेट कब फिक्स की है, क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे, कौन करेगा, लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे, अच्छा बढ़िए थे, बढ़िया रखा है, अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है, जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्षण प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं वो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रू रिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए,
पुरुषार्थ तो है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्रता की दृढ़ता उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की समय प्रमाण अभी हर बच्चों के प्रति चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, इस बात की आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा, मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन और चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप अनुभव कराना, तीनों ही प्रकार की सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। अभी समय कम है और सेवा अभी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है वैसे आपकी रूहानी शुभावना शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि योग भूमि चरित्र भूमि का वायुमंडल, अब तक भी जो वायुमंडल का अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है तो बड़े बड़े वाणी द्वारा प्रोग्राम तो करते ही हो लेकिन हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल को बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति अथवा वाइब्रेशन भी न हो, अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो। क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति है, ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माने किचड़ा, और मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ और रूहानी है,
17 मार्च 2007 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभावना शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है, इन बातों में नंबर वार तो हैं, अच्छे भी हैं तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। लेकिन ये ऐसा होता है, ये समझना अच्छा है, जो रांग है उसको रांग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं। समझना अलग बात है, नॉलेजफुल बनना अच्छी बात है, क्योंकि रंग को रंग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से ही पहले मानते हैं कि ऐसे है, लेकिन ऐसी बातों को अपनी दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है वहां बेस्ट थॉट्स भी है, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो ना, अगर हैं तो हाथ उठाओ। विश्व कल्याणकारी, अच्छा तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज है, समझो भले ये राइट है ये रंग है, लेकिन मन में मन ही बिठा दो। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। ये वही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी के भी संपर्क में आओ तो उनको दुआएं दो और दुआएं लो, चाहे वह बद्दुआ भी देता है। लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। आपका चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना है। ये चैलेंज है ना, आप सब ने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, बनाना है ना। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो
देखा देखी में नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनावेंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, आपका वाइब्रेशन प्रकृति तक जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थों द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है, दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया, कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो, चाहे फालो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार बन जाता है, परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक को, जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता है तो लेने वाला कौन है? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको खराब चीज दे तो आप क्या करेंगे? उस खराब चीज को अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे या अलमारी में संभाल करके रख लेंगे? तो कोई भी खराब चीज को दिल में संभाल के रखना, देखना, आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद करो, मुख में नहीं मन में याद करो। दुआएं देना है और दुआएं लेना है, कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना, ये तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे।
विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दो शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं, तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो। आपके जड़ चित्र आज तक भी दुआएं देते हैं। 17/3/2007 की वाणी का तीसरा पेज। चलो परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा ड्रामा के सागर में, जो क्षमा का सागर है बाप, सागर के बच्चे क्षमा अगर दे देंगे तो अच्छा ही होगा ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो, कहो। पहले मैं हूं, इसमें हे अर्जुन बनो, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वो कुछ न कुछ स्नेह लेकर के जाए, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे और हिम्मत का अनुभव करे। सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना, पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ, पहली लाइन वाले पहले करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहली लाइन टीचर्स सभी करेंगी ना। अच्छा, अभी लास्ट टर्न में 15 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। मदोन में तो मदद है ही, आप सभी जितने भी हैं और जहां के भी हो, लेकिन ये 15 दिन प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करना? दुआ देना है और दुआ लेना है, ठीक है। ये होमवर्क ठीक है, करेंगे ना मधुबन वाले? अच्छा है, मधुबन वालों को सीट बहुत अच्छी मिली है, सीट अच्छी ले ली है, होशियार है मधुबन वाले, क्योंकि सीट अच्छी पकड़ ली। अभी नंबर 1 की भी सीट लेनी है, क्योंकि मधुबन वासी बनना भाग्य की निशानी है। और अभी सभी कहाँ के हो, लंदन के हो, अमेरिका के हो, या अभी सभी मधुबन के हो? इस समय तो मधुबन के हो ना, कितना अच्छा है, सभी मधुबन निवासी है अभी। तो 15 दिन के बाद बाप दादा रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। पीछे वाले ठीक है, ऊपर गैलरी में भी बैठे हुए हैं, गैलरी वाले ठीक है। अच्छा, अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ।
आपके निर्वाण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। अगर आप निर्वाण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बिचारी निर्वाण में जा ही नहीं सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगी ना, और गेट की सेरेमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना आपस में, बाप दादा सब मीटिंग सुनते हैं। बाप दादा को क्या है, स्विच ऑन किया और सुना। एक ही समय पर सभी जोन सभी देश की बातें सुन सकते हैं, अगर सुनना चाहे तो। अभी बेहद में आओ। कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता। गंभीर बनो लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कराता हुआ रहे। मुस्कराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उससे सभी डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कराना, जगदम्बा माँ का मुस्कराना, अपनी दादी का मुस्कराना, ये सब याद है ना। डबल फॉरनर्स को भी दादी का मुस्कराता चेहरा अच्छा लगता है ना। हाथ हिला रही है, हंसो नहीं मुस्कराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कराना, क्योंकि बाप दादा को अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल का जमा नहीं होगा, और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का जब मेरा बाबा कहा तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे उनका अधिकार कम नहीं होना चाहिए। कितने जन्म का होना चाहिए? 21 जन्म का पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बाप का तो चाहे लास्ट बच्चा है, बाप जानता है ये लास्ट है, लेकिन कभी मुरली में कहा मीठे मीठे बच्चे कहते हैं तो जो कड़ुए हैं उनको छोड़ के मीठे बच्चों को याद करते हैं। ये कभी कहा है? जानते तो हैं कि लास्ट बच्चा है लेकिन फिर भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, कड़ुए बच्चे तो नहीं कहते। तो बाप समान बनना है ना। बाप दादा को खुशी होती है जब सभी का लक्ष्य पूछते हैं तो कहते हैं बाप समान बनना है, और लास्ट नंबर बच्चा भी यही कहता है बाप समान बनना है। बाप दादा खुश होते हैं, फिर भी लक्ष्य ऊंचा रखा है तो लक्षण भी आ जावे। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना, फिर लास्ट में उलाहना नहीं देना, हमें तो याद ही नहीं था बहुत काल का। 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हो। चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है तो ये क्या है? बहुत काल का प्रभाव है ना। इसलिए बाप दादा हर एक प्यारे से प्यारे बच्चों को यही कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव।
होमवर्क याद रखना, 15 दिन के बाद रिजल्ट पूछेंगे। इन 15 दिनों में संस्कार पड़ जावेंगे ना, तो आगे भी होगा। यहां तो वायुमंडल की मदद और सब मधुबन वाले ड्यूटी में है, या जो जैन जिसका टर्न है वो ड्यूटी पर है, और तो सब फ्री है, तो क्या करेंगे दादी? सुनाओ क्या करेंगे, करके दिखाएंगे, करके ही दिखाना है। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, ये उमंग है। कितना उमंग है? बहुत उमंग है। सभी को बहुत बहुत, जितना बहुत बहुत उमंग है उतना ही बाप दादा पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक दे रहे। अच्छा, जगह जगह से बच्चों की ईमेल और पत्र तो आते ही, तो जिन्होंने पत्र नहीं भी लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया। 17 मार्च 2007 की वाणी का 4th पेज। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो पता नहीं उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे, फिर भी अच्छा है। पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को बाप दादा सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहां कोई टाइम है, कहां कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी और इंदौर जोन का है, ये सब टीचर्स हैं, और दोनों तरफ की टीचर्स हैं। अच्छा है, बाप दादा को टीचर्स पर भी नाज है, क्योंकि हिम्मत रख करके सरेंडर होके सारी जीवन सेवा के प्रति लगाने का संकल्प ले लिया है। पक्के हैं ना टीचर्स? पक्के हैं कि थोड़े थोड़े कच्चे हैं? टीचर्स कच्चे नहीं बनना, टीचर्स अर्थात अपने फ्यूचर से फ्यूचर को बनाने वाली, दिखाने वाली। अभी संगम युग का फ्यूचर है फरिश्ता भव, और भविष्य के फीचर्स हैं देवता भव। तो जो भी ग्रुप आया है सेवादारी, उनको डबल नशा है कि फरिश्ता सो देवता बनना ही है। पक्के हैं ना सभी? हाँ, देखो आपका फोटो आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि फोटो दिखाई नहीं दे, पक्के रहना। क्योंकि कई जब कहां थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो घबराए जाते हैं, बहुत जल्दी घबराए जाते हैं। कौन इसकी बात बताई? टीचर्स की। गहराई में नहीं जाते हैं, घबराए जाते हैं। अगर गहराई में जाएं तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर आ जावे,
या कोई बात हो जावे, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तल्ले में जाने वाले बहुत माल लेकर के आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वालों को बहुत चीजें मिल जाती हैं। तो यहां भी कोई भी बात आवे, क्योंकि बातें तो बहुत आवेंगी, ये बाप दादा नहीं कहेगा बातें आएंगी नहीं। जितना जितना आगे आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आवेंगी, क्योंकि पास विदानर होना है ना। क्या सोचा टीचर्स ने, पास विदानर होना है या 33 मार्क्स से पास होना है? पास विदानर होना है तो हाथ उठाओ, इन्हों का फोटो निकालो, अच्छी तरह से इनके फोटो निकालो जिन्होंने हाथ उठाया। आपका भी फोटो निकलेगा, घबराओ नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो पहाड़ भी रुई बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने कल्प कल्प पास हुए हो, इस बात का पता है? नशा है ना, अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं, अभी सिर्फ रिपीट करना है, नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना है, ये बात स्मृति में रखो। तो इंदौर और यूपी, यूपी को तो साकार माँ बाप की बहुत पालना मिली है। क्या बात है? यूपी क्यों, दक्षिण भारत वालों को बहुत पालना नहीं मिली है? हैं? दक्षिण भारत तो पहले निकला है, तो यूपी को तो कमाल करना है। और इंदौर की भी विशेषता है कि साकार बाप की प्रेरणा से सेंटर खुला है। इंदौर माना क्या? डोर के अंदर रहने वाले, बार बार डोर से बाहर जाने वाले नहीं। तो इंदौर की विशेषता क्या बताई, कि जो भी इंदौर का सो बाप का, जो भी सेंटर खुला है वो बाप की प्रेरणा से खुला है, ऐसे है ना। दोनों की विशेषता है, तो अभी दोनों ही करो कमाल, ऐसा वायुमंडल बना के दिखाओ जो जैसे अभी किसी को परिचय देते हैं तो क्या कहते हो, मधुवन में आके तो देखो, कहते हो ना। अभी ऐसा अपने जोन को, अपने स्थान को ऐसा बनाओ जो किसको भी कहे ये इंदौर में जाके देखा, यूपी में जाके देखा, ठीक है ना, पसंद है, क्या नहीं हो सकता है। आपके एक एक मास्टर सर्वशक्तिमान के संकल्प में इतनी ताकत है, जो चाहो वो कर सकता है।
और जो चाहो वह हो सकता है, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता की चाबी कभी कभी माया चोरी कर लेती है, तो इस चाबी को सदा यूज करो, ऐसे नहीं संभाल के रखो। दिमाग में है चाबी, लेकिन समय पर यूज भी करो। समय बीत जाता है ना, फिर क्या कहते हैं, करना तो ऐसे था करते रहते हैं, तो अभी था नहीं करना, समय पर करके दिखाना। तो आपका जोन नंबर वन जोन हो जाएगा। सभी का लक्ष्य अच्छा है, नंबर वन होना है, ये लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना, कि जो भी नंबर मिले वो ठीक। बाप दादा को भी हर जोन प्यारे थे प्यारा है, क्योंकि हर जोन में कोई न कोई विशेषता है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष नहीं किया है। खास विशेषता को प्रत्यक्ष नहीं किया है, होना तो है ही, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करो तो सभी खुश हैं। कभी खुशी तो नहीं गवाते हो, अगर खुशी गई तो जीवन गया। नीरस जीवन में कोई मजा नहीं होता है, तो अच्छा है कोई कमाल करके दिखाओ। अभी बाप दादा ने सभी जोन को कहा है कि कोई नवीनता करके दिखाओ, अभी नवीनता नहीं दिखाई है। ये बड़े प्रोग्राम करना, ये वर्गीकरण के प्रोग्राम करना, ये तो हो रहे हैं, होते रहेंगे, अभी कोई नवीनता दिखाओ। उस नवीनता में देखें कौन सा जोन आगे जाता है, विदेश जावे या देश जावे, उस आगे जाने में साफ कॉपी कर सके, ऐसी नवीनता हो, देखेंगे कौन करता है। और करना तो है ही, अच्छा बहुत अच्छा चांस लिया। बाप दादा कहते हैं जो चांस लेते हैं हर विशेषता में, वह चांसलर बन जाते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य जमा किया, बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और बेफिक्री की मदद है, कोई जिम्मेवारी का फिक्र नहीं है, जो ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी ही करनी है बस। तो कमाई जमा की, दोनों जोन ने कमाई जमा की, बहुत कमाई जमा की, थोड़ी नहीं की, बहुत अच्छा। 17 मार्च 2007 की अभ्यर्थवाणी का 5वां पेज। 96 देशों से 900 विदेश भाई बहने आए, विदेश वाले संख्या बढ़ाने में अच्छा रिकॉर्ड दिखाई रहे, एक तरफ संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एरिया को संपन्न बनाने का भी उमंग अच्छा है। बाप दादा ने सुना कि मेजॉरिटी सभी तरफ अभी एक दो का उमंग देखने में आ रहा है, कि हरेक अपने एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हैं। उलहना उतार रहे हो अपना, ये उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है और औरों को भी खुशी की लहर में लाता है। दुखी आत्माओं को जैसे कोई डूबे हुए को पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है, ऐसी दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन से जो दुआएं निकलती है
वो आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। तो ये गुह्य हिसाब है, जितनों को जो प्राप्ति होती है आपके खाते में जमा हो जाती है, बाकी अच्छा अच्छा मीटिंग का समाचार सुना, अच्छा अटेंशन दे रहे हैं, अपनी अवस्था को ऊंचा उठाने का चांस ले रहे हैं, और सेवा के प्रोग्राम में भी अच्छा भविष्य प्रोग्राम बनाए देते हैं। एक उमंग अच्छा है कि जो इसने ही सहयोगी है उनको और सहयोगी बनाने में समीप लाए, ये भारत वाले भी करते हैं, लेकिन फॉरेन वाले भी अच्छा कर रहे हैं। अभी सभी मेजॉरिटी जहां जहां सेवा करते हो, चाहे वीआईपी भी है चाहे साधारण है, लेकिन समझते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है, कुछ नवीनता है। अभी ये वायुमंडल पहले से काफी चेंज हो गया, पहले कितना मुश्किल से बुलाते हो, मुश्किल से आते थे, अभी तो वो खुद कहते हैं कि हमको चांस लेने दो, तो फर्क हो गया ना। तो विदेश की सेवा पर भी बाप दादा बहुत खुश है, लेकिन स्वाती सेवा में क्या सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है, जो सोचा वो किया, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, यही आपके जगदम्बा की युक्ति थी, नंबर वन हो गई। चेक करो रात को, चलते फिरते भी जो बाप ने कहा वो करना है, चलना है, सोचना है, वो किया, जो बाप ने कहा वो करना ही है, बाकी वृद्धि भी है और अटेंशन भी है, प्रोग्राम भी अच्छे बनाए हैं। अच्छा, डबल मुबारक। भिन्न भिन्न वर्ग वाले भी आए हैं, बाप दादा को मालूम है, अपनी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। जो भी वर्ग वाले आए हैं, प्लान तो बहुत अच्छा बनाए गए। अभी सिर्फ एडिशन ये करो कि जब भी मीटिंग करते हैं तो हमेशा स्व और सेवा का बैलेंस रख करके एक दो को सेवा के उमंग भी में लाओ, उमंग दिलाओ, लेकिन साथ में स्व का उमंग उल्लास भी हो, बैलेंस रखो, तो डबल करने से डबल ब्लेसिंग मिलेगी। ये ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलती है, ब्लेसिंग देनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक मिलती है। बाप दादा ने देखा है, स्वउन्नति का भी समाचार भेजा है, उन्होंने कहा इस पार्क मीटिंग का समाचार रमेश भाई ने लिखकर संदेशी द्वारा बाप दादा के पास भेजा। रमेश जो कर रहा है ना, स्व उन्नति का भी लिखा है, उसको बार बार अटेंशन दिलाओ, सेवा में प्रैक्टिकल कर लेते हो ना, ऐसे स्व उन्नति में प्रैक्टिकल किया या नहीं किया उसका भी चार्ट रखो। बाकी समाचार मिला था, सोचा अच्छा है, जिन्होंने भी मीटिंग की है बाप दादा को समाचार मिला। अभी तक बाप दादा को एक बात का वर्ग वालों ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, याद है कौन सा रिस्पॉन्ड नहीं दिया? बाप दादा चाहते हैं हर एक वर्ग का एक एक विशेष स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो, वीआईपी भी हो, माइक भी हो, और सहज योग के टेस्ट वाला भी हो, ऐसा हर वर्ग का एक एक ग्रुप बाप के आगे। अभी सभी वर्ग का, एक वर्ग का नहीं, कभी कोई आईपी आते हैं, वीआईपी आते हैं, वो वेलकम, लेकिन बाप दादा एक ही समय पर हर वर्ग के ऐसे क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप को देखना चाहते। आईपीस का ग्रुप आता है,
लेकिन वर्गीकरण का एक विशेष माइक हो, आप सकाश बनो और वो स्पीकर बने, आप माइक बनो और वो माइक बने, तो ये अभी करके दिखाना। फॉरेन वाले तो प्रोग्राम करते हैं, इसमें आ जाते हैं, कॉल ऑफ टाइम भी करते हैं, उसमें भी आईपी आ जाते हैं। ये वर्गीकरण के रूप में माइक लाना, ध्यान रखना। कहा ऐसे हर वर्ग के लोग भारत में तैयार हैं, बाप दादा से मिलने की डेट दे। अभी सभी वर्गों से एक एक माइक हो, ऐसा ग्रुप लाओ, उसके लिए टाइम देंगे। अच्छा, सभी ने संकल्प किया तीव्र पुरुषार्थ करके नंबर वन बनना ही है, या हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर साथ उठाए रही है, पहली लाइन तो है ना। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज परमधाम में लेकर चली जाएगी। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते का याद करो, फिर पूज्य रूप में अपने को याद करो, फिर ब्राह्मण रूप में याद करो, फिर देवता रूप में याद करो। 17 मार्च 2007 की अमृतवाणी का छठा पेज कितने हुए? 5 मिनट हुए ना, तो 5 मिनट में 5 एक्सरसाइज करो, और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भले करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल, मन की एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी और उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से लेकर देवता तक। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआएं देना, दुआएं लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ति कला का अनुभव कराने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। दादियों से आप लोगों का संगठन सभी को सकाश देता है, सकाश देता है ना, क्योंकि फिर भी अनुभवी हो ना, तो अनुभवी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। आदि से आप आत्माओं में बाप और माने अनुभवी मूर्त बनने का संस्कार डाल दिया है, डाला है ना, बाप दादा भी खुश होते हैं। अच्छा है, ठीक है, कैसी भी तबीयत है, लेकिन यज्ञ का श्रृंगार हो, चाहे भोग दौड़ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके भी आप लोगों की हाजिरी भी सभी को बल मिला देती है।
आदि रतन हो ना, तो आदि के संस्कार पावरफुल, आदि की भट्टी सभी याद करते हैं ना, वो साकार की पालना सभी याद करते हैं। अच्छा मोहिनी बहन ने दादी जी की याद बाप दादा को दी, बाप दादा भी बहुत बहुत याद दे रहे हैं। बाप को सिर्फ याद नहीं है, सभी की याद है, बाप की भी याद करते हैं। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप एक एग्जाम्पल था, वैसे दादी भी एक एग्जाम्पल है। अचानक के पार्ट को कितना सहज कर दिया ब्रह्मा बाप ने यज्ञ को रचा, लेकिन दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा समय यज्ञ संभाला। इसीलिए सभी के दिल में दादी की याद है, क्योंकि उनके गुण, उसका चेहरा, उसकी चलन विशेष रही, इसलिए सबके दिल में विशेष याद है ही। अभी योग किया ना सभी ने, ये प्यार की निशानी है। अभी और भी जोर से योग करो। जो दादी मधुबन में पहुंच जाएगी, जैसे वो ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर से देते हैं, तो साइंस की पावर से आपकी साइलेंस पावर कम थोड़ी है। और योग लगाओ, पावरफुल योग, देखो आपके योग से डॉक्टर्स को टचिंग हुई, कोई तो विधि चेंज की ना। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। आप सभी के दृढ़ संकल्प से विधि भी निकल आएगी, ठीक है ना। और योग लगाओ, किसके साथ है? दादी के साथ। लेकिन ये किनको कह रहे हैं है? और योग लगाओ, योग को कम नहीं करना। अच्छा जो भी सेवादारी है, किसके सेवादारी? दादी के सेवादारी। मुन्नी है, योगिनी है, गुप्ता है, कुमारियां भी हैं, सभी दिल से सेवा कर रहे हैं। बाप दादा आपके दिल की मेहनत देख करके खुश है, और आपकी मेहनत अवश्य रूप लेकर दिखाएगी। उन्होंने कहा निर्वैर भाई ने सबकी याद दी है, सभी का मन यहाँ है, तन वहां है। उन्होंने कहा अभी सभी का एक ही संकल्प है, दादी चले फिरे, ये तो होना ही है। अच्छा है, ब्रजमोहन भाई से, दिल्ली में कोई ऐसी नई इन्वेंशन करो जो इन्वेंशन सब कर सके, छोटे बड़े सब वो इन्वेंशन कर सके। विदेश की मुख्य बहनों से बहुत अच्छा है, विदेश को अनुभवी आत्माएं होने के कारण अच्छा आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि जो आप लोगों में बाप की डायरेक्ट पालना का बीज है, वो बीज फल दे रहा है। अभी सेवा की वृद्धि और उमंग उत्साह बढ़ रहा है। पहले जो नाजुकपन में था,
अभी नाजुकपन खत्म हो गया, कल्चर भी खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों को देखकर एग्जाम्पल है ना, तो आप लोगों के एग्जाम्पल को देखकर अभी समझ गए हैं कि क्या करना है। बाकी प्लान बहुत अच्छा बनाया है, ये ग्रुप ग्रुप बना के जो उनके अनुसार ट्रेनिंग देते हैं ना, वो बहुत अच्छा किया। टीचर्स भी रिफ्रेश और आने वाले भी रिफ्रेश हो जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जो चाहिए वो मिलता है, ये अच्छा है। और अटेंशन दिलाना भी बहुत जरूरी है, अच्छा किया है। यज्ञ में भी अटेंशन दिया, ये भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि यज्ञ के हैं ही, सिर्फ सेवा के लिए बाहर गए। तो आप लोगों का जरा भी इशारा अच्छा होता है। इस बात में खराब नहीं मानो, अच्छा है, बाप दादा खुश है, इतना टाइम भी देते हो ना। अभी ऐसा एक दो के विचारों में समीप आओ जो सभी समझें कि ये सब एक हैं, ये छह नहीं है, एक है। कौन से छह? कार्तिकेय है। इतना विचारों के भी नजदीक एक दो के हो रहा है, बाप दादा देख रहे हैं ये किया है और आगे भी करते रहेंगे। ओम शांति।